Hey guys, मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ SGS डायल बीपी। डायल बीपी को कैसे यूज करते हैं और इसके साथ क्या क्या आता है। पहले तो इसके साथ आता है एक अच्छा सा बैग, इसमें है नहीं कुछ हो गया। ये अभी ये SGS का है, SGS तो ये है। ब्लैक कलर ही आता है और कुछ कलर आता नहीं। ये वॉच बीपी यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए SGS बीपी। चलिए इसके बारे में पहले बताता हूँ। इसका जो क्लॉथ है बहुत ही लंबा है और साइज में भी चौड़ा है ना। बल्ब देख लीजिए, अच्छा क्वालिटी का है, दूसरे से बहुत ही अच्छा है। इसके बैग में और क्या क्या आता है। बैग में आता है एक ये रेंज, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा इसका क्या काम है। एक है नेम टैग करने का, एक नेम टैगर और ये सिलिका जेल। और इस बैग में क्या आता है, और इस बैग में आता है एक टूथपेज। क्या क्या प्रोडक्ट्स है उनके, ये सब। और एक आता है उसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल। ओके तो इसको और इस बैग में कितनी है हो गया पता। इसमें इसको रख देते हैं, नेम टैग को भी इसमें रख देते हैं। जल अंदर हो गया, ये इसको पहले रख देते हैं। पहले हम इसको दिखाते हैं कैसे इसका काम करता है। चलिए तो रैप कर लेते हैं छोटे से छोटे, ताकि ये तरीके से काम कर सके। मान लीजिए ये आ गया बच्चे का, मैंने कहा स्टेप चाहिए, ये हो गया। रैप कर लिया, ये रहा। इसको ऑफ कर लिया, अभी आप देखिए हो गया 300 तक। ये देखिए बहुत ही स्मूथ है। ये अक्सर जी ऑफ हो गया, स्मूथ मोस्ट देखिए है ना, बहुत ही स्मूथ है। अभी इसका मान लीजिए कभी हाथ से ये गिर गया, नहीं खुलते, चलिए खुलना नहीं चाहते हैं, खुल जाएगा, खुल गया, ऐसा क्या कोई बात नहीं है। ये हो गया, कभी भी इसको ऐसे घुमा के मत कीजिएगा, नहीं। अगर इसको कभी निकालना है तो ऐसे निकालिए, अगर कभी इसको इनपुट करना है तो ऐसे सीधे तरीके से कीजिए, एकदम लाइक स्ट्रेट। अगर इसको आप घुमा देंगे तो ये जो मीटर है वो घूम जाएगा, तो ऐसे नहीं करना, ऐसे सीधे निकालिए,
सीधे अंदर की ओर हो गया। चलिए मान लीजिए ये अभी सही है, एकदम जीरो पे है, सही है जीरो पे। चलिए इसको निकालते हैं। मान लीजिए कभी कभी ये हाथ से गिर गया और ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, कांटे का जो डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इसको कैसे ठीक करेंगे? ये रेंज दिया हुआ है इस कंपनी ने, तो आप खुद ही इसको कर सकते हैं। इसको लेके आइए इस तरीके से, हो गया जीरो पे आ गया, है ना? तो इसका काम यही है। अभी कभी हाथ से गिर जाए तो इस तरीके से आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और ये जो है लेटेक्स एंड रबर का मिक्स करके किया हुआ है, तो इसको लॉन्गिविटी जो है 1 साल का है, चल जाएगा आपका। इसका मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे है या डीलिंग्स कहाँ पे होता है देखिए, कैलिफोर्निया का है, यूएस कैलिफोर्निया SGS। तो इसको कैसे यूज करते हैं, तो कैसे इसको अगर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, वो हमने आपको दिखाया। चलिए तब तक के लिए।